एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है मुंबई से सटे भाईंदर पश्चिम के मुर्दा गांव से, जहां एक व्यक्ति की पत्नी और बेटा घर के अंदर मृत मिले हैं। खबर के मुताबिक मुर्दा गांव का रहने वाला राम चौहान नाम का व्यक्ति बुलढाणा जिले में बाइक लेने के लिए गया हुआ था, लेकिन जब वे वापस लौटा तो घर में उसकी भी पत्नी और बच्चा मृत मिले। घर के बाहर पहुंचने के बाद कथित व्यक्ति ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया और जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। अंदर का नजारा देखते ही राम चौहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में वे अपनी पत्नी और बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, जब अस्पताल में डॉक्टरों ने उससे पूछा कि क्या आपकी पत्नी और बच्चे ने जहरीला पदार्थ खाया है, तो इसके बाद राम पुलिस के साथ लौट कर घर आया। इस दौरान जब उसने छानबीन की तो उसका भाई भी बाथरूम के अंदर मृत अवस्था में मिला। आपको बता दें कि तीनों मृतकों की पहचान 27 साल की कविता, 8 साल के रोहित और 27 साल के श्याम चौहान के रूप में हुई है। फिलहाल भाईंदर पुलिस ने घटना का एडीआर दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। भाईंदर पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि कथित परिवार के सदस्यों ने अपनी जान खुद दी है या फिर किसी ने उनकी हत्या की है। मोरवा गांव में राम विश्वनाथ चौहान करके जो है, उसका बीबी कविता, लड़का रोहित और उसका भाई श्याम, ये रहते थे उधर। और ये राम अपना गांव गया था, वो रात को 8:30 बजे आया वापस। आने के बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन बहुत देर तक उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, इसलिए उसको डाउट आया तो उन्होंने खिड़की तोड़ के अंदर झाँका, तो वहाँ पर उसका लड़का जो रोहित नाम का, जो जिसका उम्र 8 साल है, वो जमीन पे पड़ा हुआ मिला। उसकी बीवी जो कविता नाम की, जो 27 साल उम्र है उसकी, वो भी बेहोशी की हालत में अंदर दिखी। उसने फिर लोगों के हेल्प से उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए, अंदर उसका बच्चा तो ऑन द स्पॉट उसने मरा पाया। उसने और जो बीवी थी वो जिंदा थी लेकिन अनकॉन्शियस थी। बाथरूम में देखा तो बाथरूम में उसका छोटा भाई जो है शाम करके, वो भी अनकॉन्शियस था। तो इन तीनों को हॉस्पिटलाइज किए तो बच्चा ऑन द स्पॉट मर गया करके, ब्रॉड डेड करके डॉक्टर ने किया। दोनों बीबी कविता और भाई जो श्याम, इनको अगला ट्रीटमेंट के लिए राधिका हॉस्पिटल और तुंगा हॉस्पिटल में एडमिट किया है। महिला की क्या परिस्थिति है सर? अभी मालूम पता चला है कि लेडीज़ भी उसने भी दम तोड़ दिया है।